This program is brought to you by IndianFunkar.com. IndianFunkar.com पे आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मैं पंडित आशु शर्मा उत्तर प्रदेश से। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ। मैंने कुछ दो चार लाइनें लिखी हुई हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कि पहले दो लाइनें मैं अपनी माँ के हवाले से बोलना चाहूँगा। हवाओं का रुख बदल देने की औकात रखता हूँ, हवाओं का रुख बदल देने की औकात रखता हूँ। है अगर जमाने में दम तो बदल दे इरादे मेरे, है अगर जमाने में दम तो बदल दे इरादे मेरे। मैं अपनी माँ की दुआएं हर पल साथ रखता हूँ। मैं वैसे इतना बड़ा शायर तो नहीं हूँ, पर लेकिन हाँ दो चार लाइनें लिख लेता हूँ मोहब्बत पे, और मोहब्बत पे बेवफाई पे। तो सुनिए, कौन कहता है कि मोहब्बत कोई नहीं करता जवाने में, कौन कहता है कि मोहब्बत कोई नहीं करता जवाने में। ये किस्से तो मशहूर होते हैं बेवफाओं के फसाने में, कौन कहता है कि मोहब्बत कोई नहीं करता जवाने में। ये किस्से तो मशहूर होते हैं बेवफाओं के फसाने में। लैला मजनू हीर रांझा की कहानियाँ बयां करती है, लैला मजनू हीर रांझा की कहानियाँ बयां करती है कि मोहब्बत आज भी मोहब्बत को बड़ी शिद्दत से मोहब्बत करती है। और दो लाइनें, खूबसूरत हो तुम खूबसूरत हैं आँखें तुम्हारी, खूबसूरत हो तुम खूबसूरत हैं आँखें तुम्हारी, चेहरे पे जो आती हैं लहरा के जुल्फे तुम्हारी। ये देखकर हम क्या खाक हुए दीवाने तेरे, ये देखकर हम क्या खाक हुए दीवाने तेरे, इस नज़ारे की तो दुनिया दीवानी है तुम्हारी। और दो लाइनें हैं कि एक स्ट्रगलर के लिखी थी मैंने। परिंदों से ना पूछो कि उनकी जात क्या है, परिंदों से ना पूछो कि उनकी जात क्या है, उनकी उड़ान उनकी काबिलियत बयां करती है। परिंदों से न पूछो कि उनकी जात क्या है, उनकी उड़ान उनकी काबिलियत बयां करती है। और बुलंदियों को छूते हैं उन हालातों में भी, बुलंदियों को छूते हैं उन हालातों में भी जब हवाएं उनके खिलाफ चलती हैं। और दो लाइनों के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि मोहब्बत, मोहब्बत के दर्द से वाकिफ है जहाँ सारा, मोहब्बत के दर्द से वाकिफ है जहाँ सारा, मोहब्बत में तन्हाइयाँ हैं रुसवाइयाँ हैं बेवफाइयाँ हैं बेइंतहा, मोहब्बत में तन्हाइयाँ हैं रुसवाइयाँ हैं बेवफाइयाँ हैं बेइंतहा, फिर भी मोहब्बत पे मोहब्बत किए जा रहा है जहाँ सारा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।